हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले फोटोशॉप के अंदर आप किसी भी इमेज का स्काई कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक इमेज ऑलरेडी ले ली है। ये मैंने इमेज unsplash.com से डाउनलोड की है। चाहिए तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद हमको एक स्काई चाहिए, तो मैं यहाँ से कुछ डाउनलोडेड इमेजेस को मैं ओपन कर लेता हूँ मेरे फोटोशॉप के अंदर। देन मैं यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करके उसको लेकर आऊँगा यहाँ पर, और थोड़ा सा मैं इसका एडजस्टमेंट कर लूँगा। आपको बस जाना यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड्स के अंदर, और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है। देन आप देख सकते हैं कि इमेज मल्टीप्लाई हो चुकी है। आपको सिंपली यहाँ पे मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करना है और आपको सिंपली यहाँ पे ब्रश करना है। इनकेस आपको अगर ये स्काई थोड़ा सा डल लग रहा है या फेड लग रहा है, तो सिंपली आप यहाँ पर इस वाले लेयर के ऊपर जाके ऑल्ट प्रेस करके अगर आप लेयर क्रिएट कर देंगे एक डुप्लीकेट, तो ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर थोड़ा सा डार्क हो चुका है। देन आपको अभी भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, तो आप ओपेसिटी के ऊपर प्ले कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे सही लग रहा है ये, तो मैंने यहाँ पे इसको डन कर दिया है। देन हम देखेंगे कि सेकंड इमेज हम किस तरह से एडिट करने वाले हैं। आपको सिंपली एक इमेज को ले लेना है जिसका भी आपको स्काई रिप्लेस करना है। देन आपको उस वाले स्काई को यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करके लेकर आना है। मैंने यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करके लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर उस इमेज के मुकाबले ये इमेज थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो यहाँ पर स्काई के बीच में आ रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्काई को क्विक सिलेक्शन टूल लेकर, जिस तरह से मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ। इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके स्काई के बीच में आ रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। देन उस स्काई वाली इमेज को आपको सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके मास्क करना है। यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे ये वाला स्काई भी रिमूव हो चुका है। दैट्स इट। ये वाली आज की ट्यूटोरियल आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, और हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर।